हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक एमआई का फ़ोन जिसका मॉडल नंबर है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। तो इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम है चार्जिंग की, इसके अंदर हमारी चार्जिंग नहीं हो रही है। और देखिए, मैं आपको चार्जर लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने चार्जर लगाया और ये देखिए, इसके अंदर कोई चार्जिंग नहीं हो रही है। और दोस्तों, इसके अंदर एक प्रॉब्लम और है कि इसके अंदर अगर मैं चार्जिंग का पत्ता इसमें टाइट करके पकड़ता हूँ तो ये देखिए चार्जिंग होने लगती है। पर क्या होता है, इसके अंदर थोड़ी देर के बाद में चार्जिंग इसमें रिमूव हो जाती है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी देर से इसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अंदर यही प्रॉब्लम बार बार होती है कि चार्जिंग थोड़ी देर चलती है, फिर चार्जिंग इसके अंदर अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मैं देखता हूँ कि कहाँ से पॉइंट जाता है चार्जिंग का बोर्ड के लिए। इसके लिए हम ये फ्लैक्स चेंज भी कर सकते हैं, बट दोस्तों ये हम जल्दी से चेंज नहीं करेंगे फ्लैक्स, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हमारा वाइब्रेट भी होती है, चार्जिंग भी होती है, हैंड फ्री भी होता है, और इसके अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो इसलिए हम जल्दी से फ्लैक्स को चेंज नहीं करते, या किसी भी पत्ते को हम चेंज नहीं करते। तो ये हमेशा याद रखें कि एकदम से ही आप पत्ता चेंज नहीं करें, क्योंकि पत्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पता लगा एक चीज़ आप सही करें और दूसरी चीज़ बिगड़ जाए, या फिर ओरिजिनल पत्ता हो आपके पास में तो ओरिजिनल पत्ता ही डालें। तो मार्केट के अंदर पत्ता आता, कभी कभी वो काम नहीं कर पाता सही। तो देखिए दोस्तों, ये हम इसमें चेक करेंगे ये लगा कर कि हमारा कहाँ से हमें एक जम्पर लेना है। एक प्रोब को हम मीटर को बजर उस पर रखेंगे 20 वोल्टेज पर, और एक प्रोब को रखेंगे ग्राउंड पर, और दूसरे को हम चेक करेंगे यहाँ से। तो देखिए, यहाँ तक हमारा ये जैक हमारा कंप्लीट ओके है, और ये हमारा पत्ता याला भी ओके है, और यहाँ तक हमारा वोल्टेज बिल्कुल ओके आ रहे हैं। तो हम एक जम्पर लेंगे यहाँ से, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से एक जम्पर उठा लेंगे, यहाँ से एक जम्पर उठाएंगे और ऊपर बोर्ड में लगाएंगे। ये पत्ता ये जो है हमारा, ये दिक्कत कर रहा है, तो इस वजह से ये एक जम्पर हम ले लेंगे। और बोर्ड के अंदर कहाँ लगाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारा ये साइड वाला पॉइंट प्लस का है, ये वाला तो ये वाला हमारा प्लस का पॉइंट है, और यहीं पर ही हम चेक करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये हमारा वीबेड का पॉइंट है, चार्जिंग का प्लस पॉइंट है। ये देखो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ और सही करके, ये जो हमारा चार्जिंग जैक ये पत्ता है, इसके बिल्कुल नीचे वाला ये वाला हमारा प्लस पॉइंट है। तो यहाँ से हम और यहाँ पर एक जम्पर ले लेंगे, और ये जम्पर लेकर हम इसको ओके कर देंगे। तो चलिए, ये एक जम्पर लगा लेता हूँ। तो यहाँ से एक जम्पर ले लिया हमने, और सीधा हम नीचे बोर्ड में आ गए चार्जिंग में वाले में, और यहाँ से हम हल्का सा इस पर पेस्ट लगाएंगे, बहुत हल्का सा जम्पर आएगा,
और बहुत ध्यान से लगाना होगा आपको, ताकि ये हमारा जेब में कोई फॉल्ट ना हो जाए, ये जेब ख़राब ना हो जाए। अगर ये जेब ख़राब हो गया दोस्तों तो हमें पूरा पत्ता ही चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा जम्पर लग चुका है, अब हम इसको इसके अंदर फिट करेंगे। और सॉरी दोस्तों, ये जम्पर हमारा सही लगा नहीं, टूट गया, उसको हम दोबारा लगा लेंगे। ये पत्ता भी हम इंसर्ट कर देते हैं, बैटरी कनेक्टर भी लगा लेते हैं। और अब इसमें हम चार्जिंग लगाकर चेक करेंगे, जूमिंग कम कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी चार्जिंग बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो ये देखिए 24% चार्जिंग है इसमें, तो ये फ़ोन हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, ये मिलते हैं हम अगली वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।